गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे लेसन नंबर 16, हैप्पी मैंस शर्ट यानी प्रसन्न व्यक्ति की शर्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप पढ़ेंगे। द किंग थाट, राजा ने सोचा दैट कि इट वॉज क्वाइट सिंपल है, बहुत ही साधारण है। ही बिलीव्ड, सोचता था दैट कि His servants could bring not one but many happy minds shirt, यानी उसने सोचा कि उसके जो नौकर हैं वो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे प्रसन्न लोगों की शर्ट लाएंगे। The ministers and the servants went in all direction of the kingdom, मंत्री और जितने भी नौकर थे वो सभी साम्राज्य के सभी दिशाओं में गए। They asked countless persons, उन्होंने असंख्य लोगों से कहा, if they were happy, क्या वह प्रसन्न है, but लेकिन everybody answered, प्रत्येक ने उत्तर दिया that कि he was not happy, कि वह प्रसन्न नहीं है। Everyone was sad for one or the other causes, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी अवश्य था। In one village, एक गांव में दे फाउंड ए फार्मर, उन्हें एक किसान मिला। ही वॉज लाफिंग एंड सिंगिंग, वह हंस रहा था और गा रहा था। ही वॉज रेस्टिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। द किंग्स सर्वेंट आस्क्ड, राजा के नौकरों ने कहा हिम, उससे, आर यू हैप्पी मैन, क्या तुम प्रसन्न व्यक्ति हो। यस यस, हाँ हाँ, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन, मैं सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ, साइड द फार्मर, उस किसान ने कहा। द सर्वेंट्स यानी कि नौकर आस्क्ड हिम, उससे कहा, इफ ही कुड गिव देम हिज शर्ट फॉर ए डे एंड नाइट ओनली, यदि वह अपनी शर्ट सिर्फ एक रात और एक दिन के लिए दे देंगे। द सिक किंग नीडेड इट, यानी जो राजा बीमार है उसको इसकी आवश्यकता है। इफ ही पुट इट ऑन, यदि वह इस शर्ट को पहन लेंगे, ही वुड बी वेल, तो वह अच्छे हो जाएंगे। द फार्मर सेड, अब किसान ने कहा, यू आर आस्किंग फॉर माई शर्ट, तुम मेरी शर्ट के लिए मुझसे कह रहे हो। आई वुड हैव गिवन इवन माई लाइफ, मैं अपनी अपना जीवन भी दे दूँ। आई हैव ओनली वन शर्ट टू कवर माई बॉडी, मेरे पास सिर्फ एक ही शर्ट है जिससे कि मैं अपना शरीर ढकता हूँ। बट लेकिन, यू कैन टेक दिस, लेकिन आप इसे ले सकते हैं। द सर्वेंट्स रिटर्न सरप्राइज, जो नौकर थे वो आश्चर्यचकित होकर वापस गए। दे टोल्ड द किंग एवरी थिंग, उन्होंने राजा को प्रत्येक बात बता दी। नाउ अब द किंग अंडरस्टूड, राजा जो था वो समझ गया एवरी थिंग, सब कुछ, यानी राजा सब कुछ समझ गया। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया दैट सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन द गैदरिंग वेल्थ वट इन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग चैरिटी, यानी अब राजा समझ गया कि जो प्रसन्नता का रहस्य है वह क्या है, ना कि धन एकत्र करने में है बल्कि क्या, कठिन परिश्रम करने में और दान देने में है। ही ऑल्सो फेल्ट असेम फॉर हिज कंडक्ट टुवर्ड्स द हिज पीपल, उसने अपने आप को क्या महसूस किया, शर्मिंदा महसूस किया, जो उसने अपने लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया था। ही बिगैन टू ट्रीट देम विद काइंडनेस जस्टिस एंड लव, अब उन्हें उनके साथ कैसा व्यवहार करने लगा, यानी वह अपनी प्रजा के साथ दयालुतापूर्ण, न्यायपूर्ण और उनसे प्यार करने लगा। ही हिमसेल्फ स्टार्टेड वर्किंग एंड बिकेम क्वाइट हेल्दी इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, अब वह खुद में काम करने लगा और कैसा हो गया, बहुत ही उसका शरीर कैसा हो गया, स्वस्थ हो गया दिमाग और आत्मा, यानी सभी तरीके से वह स्वस्थ हो गया। थैंक यू।